हाय फ्रेंड्स, आज की हम लोग का टॉपिक है BSF के अंदर में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात किया जाएगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपकी एज कितना होना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन होने के बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को कितना पेमेंट मिलता है और उनकी प्रमोशंस कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कि सबसे पहले बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जो वैकेंसी भरना है तो आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 और टाइपिंग स्पीड आपकी होना चाहिए वर्ड पर मिनट 35 इन इंग्लिश होना चाहिए और वर्ड पर मिनट 30 इन हिंदी होना चाहिए। उसके बाद में जो है इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आता है हाइट का। अगर जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट होगा 165 सेंटीमीटर्स होना चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स होगा तो उसके लिए 162.5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। ये मेल के लिए बोल रहा हूँ, जो चेस्ट की जो छाती का नाप करते हैं इसमें जो है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए अनएक्सपेंडेड जो छाती होना चाहिए 77 होना चाहिए, एक्सपेंडेड से 82 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर्स फुलना चाहिए। उसके बाद में एससी एसटी कैंडिडेट्स का अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए 76 होना चाहिए और एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस में आपको एग्ज़ाम आएगा कि 1 आवर 30 मिनट्स का एक एग्ज़ाम होता है। इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चंस और 100 मार्क्स होता है और 100 क्वेश्चंस भी होता है। इसमें 5 भाग से डिवाइड किया गया रहता है, जिसमें कि आपको सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश 20 मार्क्स का होगा, जनरल इंटेलिजेंसी 20 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स जो है 20 मार्क्स का होगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड्स 20 मार्क्स का होगा और बेसिक कंप्यूटर के ऊपर में 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का होगा, 8 ड्यूरेशन है 90 मिनट्स का, 90 यानी 1.5 आवर का एग्ज़ाम होगा आपका। ये होने के बाद में आपको हाइट और चेस्ट की बुलाया जाएगा, उसके बाद में आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग में जो कैंडिडेट सिलेक्शन हो जाता है उसके लिए मेडिकल चेकअप किया जाएगा, मतलब मेडिकल टेस्ट में ये होगा आपकी आँख चेक करेगा, उसके बाद में ब्लड चेक करेगा, एक्सरे के रूप से जो BSF की हॉस्पिटल में एक्सरे चेक करेगा और कुछ जो है यूरिन का चेक करेगा। यदि आपकी कुछ आवश्यकता होता तो कुछ और भी चेक कर सकता है, जैसे कि एक्सरे के अंदर में कुछ 2-3 चीज़ आता है, ECG वगैरह ये सब कुछ चेक कर सकता है। उसके बाद में आपको जो है फाइनल मेरिट निकलता है, फाइनल मेरिट निकलने के बाद में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ये टोटल इनकी सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद में पेमेंट कितना मिलता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, जैसे कि इस नोटिफिकेशन में या मतलब नोटिफिकेशन में अभी दे रहा है, अभी हम लोग 2017 में है तो पे जो है 6th पे कमीशन के ही नोटिफिकेशन में शो कर रहा है। जैसे कि पे कमीशन में आपकी 7th पे कमीशन का भी नोटिफिकेशन में नहीं डाल रहा है, तो बात करते हैं 5200 से लेकर 20200 तक आपकी बेसिक पे होगा और यहाँ पे आपकी ग्रेड पे होगा 2400 का ग्रेड पे होगा। और इनकी बेनिफिट क्या होता है, इनकी और सैलरी के साथ में जुड़ता है डेयरनेस सर्वेंस TA मतलब डेयरनेस सर्वेंस TPT और उसके बाद में कॉशन अलाउंस मिलता है, यानी खाने का अलाउंस मिलता है और वॉशिंग अलाउंस वगैरह भी मिलता है। उसके बाद में इनकी प्रमोशन की कैसे होता है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद में, ट्रेनिंग होने के बाद में जब यूनिट में आप लोग जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद में 4 या 5 साल के अंदर में इनकी प्रमोशन आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, जो है मिनिस्ट्रियल की अंडर में ही आता है, वो भी मतलब मिनिस्ट्रियल में ही हेड कांस्टेबल से लेकर ASI बना देते हैं। तो आपको ये जॉब बहुत बेहतरीन जॉब होता है दोस्तों, इस जॉब के लिए ट्राई कीजिए। और यदि ये पूरा जानकारी आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, अगर आपकी कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए और इस जानकारी को शेयर कीजिए आपके दोस्तों से और आपके इष्टदारों से। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने का। जय हिंद, जय भारत।
फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ में। धन्यवाद।